नागिन 6 में जल्द ही एक नए सुपरनेचुरल किरदार की एंट्री होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार इच्छाधारी नेवला शेष नागिन की मुश्किलें बढ़ाने आ रहा है और इस इच्छाधारी नेवले के रूप में नजर आएंगे जाने माने टीवी एक्टर जिशान खान। जैसे ही ये खबरें वायरल हुई तो जिशान ने भी सामने आकर खुशी खुशी अपनी एंट्री को कंफर्म कर दिया और एक बार फिर से एकता के शो में एक पावरफुल किरदार पाकर खुशी में काफी कुछ बातें भी शेयर की। जिशान ने ये तक बताया कि शो में उनका किरदार कैसा होगा और प्रथा के लिए कैसे मुश्किलें खड़ा करते नजर आएगा। जी हां, दरअसल ई टाइम्स के साथ खास बातचीत में जिशान ने कहा, ये सब तब हुआ जब मैं लॉकअप से बाहर हुआ। मैं प्रोजेक्ट्स की तलाश में था, लेकिन जब ये मौका मेरे हाथ में आया तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। ये मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों में मैंने जो भी मुश्किलें झेली हैं, उसका ये परिणाम है। वही जिशान आगे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ और मैंने अच्छा काम किया है और इसीलिए अच्छा काम मेरे पास आया है। वही अपने किरदार को लेकर जिशान ने खुलासा किया कि शो में उनका किरदार तेजस्वी प्रकाश की तरह सुपरनेचुरल है। जिशान कहते हैं, मैं नेवले ग्रोह का नेता हूँ जो हमेशा शेष नागिन को धमकाता है, जो तेजस्वी है। मैं वो बुरा लड़का बनने जा रहा हूँ जो उसकी सभी योजनाओं को बिगाड़ देता है और मुझे यकीन है कि ये मजेदार होने वाला है। बिल सुना ना आपने, साफ है कि जिशान का किरदार शो में काफी पावरफुल होगा और जिस तरह से रियल लाइफ में नाग और नेवला एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, ठीक वैसा ही कुछ शो में जिशान और प्रथा के किरदारों के बीच में बखूब देखने को मिलेगा। हालांकि अब जिशान का ये नेवले वाला किरदार महज कैमियो रोल होगा या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। आपको बता दें कि ये तीसरी बार है जब जिशान खान एकता कपूर के साथ उनके शो में काम कर रहे हैं। नागिन 6 से पहले जिशान खान ओटीटी शो लॉकअप और कुमकुम भाग्य में भी नजर आ चुके हैं। हालांकि इस बार नेवले के किरदार से जिशान क्या कुछ कमाल करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। वेल, आप शो में इच्छाधारी नेवले के नए ट्रैक को देखने के लिए कितने बेताब हैं, एक्साइटेड हैं? बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में।